नमस्कार विद्यार्थियों, आपके समक्ष एजेस एकेडमी की ओर से मैं हिंदी 10वीं कक्षा के लिए आपके समक्ष कुछ बातें करने जा रहा हूँ। समेटिव असेसमेंट 2 सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि संकलित परीक्षा 2 SA12 हिंदी कोर्स बी आप कोड संख्या 85 के लिए तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा आपके समक्ष है और उस परीक्षा की तैयारी कैसे आपकी होगी और किस प्रकार किन बातों को आप ध्यान में रखकर परीक्षा देने जाएंगे, इसे ध्यान से सुनिए। कुल भार 100 है, 4 खंड हैं, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। छात्रों को ये मैं बता दूं कि हिंदी जिस प्रकार से प्रश्न पत्र बनाया जाता है, इसमें पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के कौशल और उनके बोध ज्ञान के ऊपर आधारित रहता है। विद्यार्थी सबसे पहले अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश को लिखते हैं। अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश मुख्य रूप से पठित बोध पर आधारित है कि आप पढ़कर किस प्रकार अपने मन में प्रश्नों के उत्तर को संजोएंगे और संजोकर लिखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को अटेम्प्ट करने से पहले इनके प्रश्नों को पढ़ लें, इनके प्रश्नों को पहले पढ़ लें, पढ़ने के बाद फिर गद्यांश को पढ़ें। गद्यांश के उन भागों को रेखांकित कर सकते हैं आप या चिन्हित कर सकते हैं जो मुख्य रूप से उत्तर के तौर पर आप लिखना चाहते हैं, और करने के बाद एक बार नहीं दो बार पढ़ें। अगर दूसरी बार भी आपका पठन बोध सही नहीं रहा तो आप पुनः उसको पढ़ें और प्रश्न के अनुसार उत्तर दें। खंड क इस प्रकार का प्रश्न है जिसके अंदर आपको उत्तर भी मिलेगा, प्रश्न भी मिलेगा। यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों संग है, बस आप अपनी चतुराई के साथ अगर इसको लिखेंगे तो 20 में से 20 अंक आप ले पाएंगे। खंड ख देखिए, खंड ख में शब्द व पद में अंतर, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, समास, अशुद्धि शोधन और मुहावरे हैं। शब्द और पद, छात्रों आपको जानकारी होगी कि इंग्लिश में वर्ड और लेटर क्या हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेटरों के सार्थक समूह यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और यहाँ पर दोनों के बीच अंतर आप उदाहरण देकर दीजिएगा जिससे कि 2 में से 2 अंक आपको मिल जाएं। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के बारे में पूछा जाएगा। मैं इन तीनों के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि सरल वो साधारण वाक्य है जिसमें कर्ता एक होता है, क्रिया उसके लिए काम करती है, कर्ता एक और क्रिया उसके लिए काम करती है। यहाँ तक कि इसके अंदर जो दूसरा भेद है वो है संयुक्त, जिसमें या, अथवा, और, किंतु, परंतु इनको लगाकर 2 वाक्यों को अगर हम जोड़ेंगे तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित इंटरडिपेंडेंट सेंटेंस को कहते हैं, यानी कि एक आश्रित, एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य होता है जिसमें क्योंकि, की, किंतु, क्योंकि, की आदि का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप ये तीनों को आसानी के साथ, सरलता के साथ समझकर प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाता है उसके अनुसार आप काम करेंगे। यहाँ प्रश्न 2 तरह से पूछे जाएंगे। एक, आप वाक्यों को पहचान कर सरल, संयुक्त और मिश्रित नाम दीजिए, और दूसरा आप मिश्रित वाक्य अगर कहे तो मिश्रित वाक्य बना दीजिए, संयुक्त कहे तो संयुक्त वाक्य बना दीजिए, सरल वाक्य बनाने को कहे तो आप सरल वाक्य बनाइए। समास, समास वह क्रिया है जिस क्रिया के तहत हम एक शब्द बना सकते हैं और उस शब्द को वाक्यों में बदल सकते हैं। ये भी इतना आसान है कि अगर 7वीं और 8वीं कक्षा में आपने इसकी पढ़ाई की है तो मुख्य रूप से वह महत्वपूर्ण है। 7वीं और 8वीं में जितनी भी
अभ्यास हेतु शब्द, अभ्यास हेतु शब्द आपके समक्ष आए हैं, उसको दोबारा पढ़ लें तो समाज के लिए आपको अच्छा रहेगा। अशुद्धि शोधन, जिसमें लिंग वचन कारक और एक ही अर्थ वाले दो शब्द अगर वाक्यों में आ जाते हैं तो उसके अनुसार आप उसका शोधन कर सकते हैं। मुहावरे, चलती फिरती भाषाओं में मुहावरों का प्रयोग जैसा होता है उस पर ध्यान दें। पठित पाठ से, यानी जो पाठ आपको दिया गया है उन पाठ में आए हुए मुहावरों पर ध्यान दें, उसके अर्थ पर ध्यान दें। दो तरह से इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, एक तो मुहावरों को वाक्यों में कैसे प्रयोग करें, और अगर वाक्य में मुहावरे हैं तो उसको पहचानिए और पहचान कर उसका अर्थ बताइए। मुहावरे के भी दो पार्ट होते हैं, दो भाग हैं, एक मुहावरे हैं और दूसरा लोकोक्ति, यानी कि लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गई उक्ति, पुरानी बातों इतिहास से उठाई गई उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सब कुछ साफ साफ हो गया कि खंड ख आपको मुख्य रूप से 15 अंक के लिए लिखना है, और अगर थोड़ी सी सावधानी रखे तो 15 में से 15 अंक आपको मिल जाएंगे। अब आइए खंड ग, पठित पाठ, जिसको कि स्पर्श और संचयन दोनों में जिस पाठ को दिया गया है उस पाठ के अनुसार आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी सरल है, सहज है, बस समझ के ऊपर आपको लिखना है। जैसे पठित गद्यांश, पठित गद्यांश किसी भी लेसन से, किसी भी पाठ से आपको एक अनुच्छेद ले लिया जाएगा, एक अनुच्छेद लेकर उसमें 3 प्रश्न होंगे, 2, 2 और 1 के लिए। बस उस पाठ को ध्यान से पढ़िए और पढ़कर उसके उद्देश्यों के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, तो आपको यहाँ 5 अंक मिल जाएगा। एक प्रश्न होता है 5 अंक के लिए, जिसको कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न। इसमें पाठ के मूल अंश को ध्यान में रखते हुए, पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें लेखक का परिचय जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि आपको 5 में से 5 अंक मिल जाए। लघु प्रश्न, जिसमें 3 प्रश्न होंगे और मुख्य रूप से वह पाठ के उद्देश्यों के ऊपर होगा, उसको भी ध्यान से लिखिएगा, जिससे कि इसमें आपका नंबर न कटे। उसी प्रकार कविता के अंश को भी आप देख लीजिए। पठित कविता का अंश मिलेगा, जिसमें 3 प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न जो कि मुख्य उद्देश्यों के ऊपर होगा, और उसको उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसका उत्तर दीजिएगा। लघु प्रश्न भी उसी प्रकार से होंगे। संचयन, जिसमें कि 2 पार्ट है और दोनों पार्ट को आप इस तरह पढ़िएगा कि कहानी आपके मस्तिष्क में व्यवस्थित हो जाए, फिट हो जाए, और उसी के अनुसार आप अपनी ताकत के अनुसार, लिखने की क्षमता के अनुसार आप इस संचयन के प्रश्नों का उत्तर दें। एक ही प्रश्न होगा और उस प्रश्न का उत्तर उस कहानी के उद्देश्यों पर, मूल भाव पर आधारित होगा। उन्हीं विषयों को समझते हुए आप अपने आप अपने ही शब्दों में उत्तर लिखें। खंड घ, जो कि लेखन कला पर आधारित है, जिसमें पत्र आपको औपचारिक पत्र होंगे और इस औपचारिक पत्र में रूपरेखा पर ध्यान दीजिएगा। रूपरेखा, इसके हर एक पार्ट, हर एक अंश को ठीक से ध्यान लिखिएगा, जिससे कि यहाँ पर पत्र और पत्र के कलेवर आपको विषय के अनुसार आ जाए। अनुच्छेद लेखन, जो कि साधारणतः देखा गया है कि करंट अफेयर्स के ऊपर अनुच्छेद लेखन आता है, मुख्य रूप से कुछ उद्देश्यों के ऊपर भी अनुच्छेद होता है, यानी वर्तमान घटित बातों को अनुच्छेद के रूप में छात्रों को लिखना होता है। विषय को देखते हुए और संकेत बिंदुओं को देखते हुए इस अनुच्छेद को लिखेगा। ज़्यादातर अगर बच्चे काव्य पंक्ति, कविताओं की पंक्तियों को अनुच्छेद में लिखें, या किसी बड़े लेखक या किसी महान व्यक्ति के की बातों को अनुच्छेद में लिखें, तो इसमें अंक ज़्यादा मिल सकता है। सूचना, सूचना जिसको कि इंग्लिश में नोटिस कहते हैं, और सूचना लेखन के लिए आप एक बॉक्स जरूर बनाएं और उसी बॉक्स में सूचना लेखन को करें, जिसके ऊपर सूचना जिसके द्वारा दी जा रही है उसका नाप
नाम, सूचना और विषय को लिखिएगा, उसमें दिनांक जरूर दीजिएगा, सचिव या कुछ मुख्य पद लिखते हुए अपना नाम लिखिएगा। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग, इसमें पंक्चुएशन पर आप ध्यान रखिएगा, विराम चिन्ह पर आप ध्यान रखिएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से होना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि सरल से सरल वाक्यों में आप संवाद लेखन करें। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन का आजकल बहुत ज़्यादा महत्व है। विज्ञापन लिखते वक्त चित्र बनाएं, और चित्र अगर न बना सकें तो सिंबॉलिक चित्र भी आप बना सकते हैं। विज्ञापन में मुख्य रूप से स्लोगन जरूर लिखें, स्लोगन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। विज्ञापन किसके द्वारा दिया गया है उसका संक्षिप्त पता, फोन नंबर अगर लिख सके तो बहुत अच्छी बात है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मेरी इन बातों से आपको जरूर कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही, और मैं चाहूँगा कि आपकी परीक्षा अच्छी हो, शुभ हो, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।